बीच में मैं जब गांव में जाती हूँ तो यही नौजवान बच्चे मुझे कहते हैं कि बहन जी आप ये ज़रूर काम करना, आपकी सरकार आएगी तो पहले कलम से CAT को विड्रॉ करवाना, ख़त्म करना। देखिए लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, किस तरह की तैयारी है अगर पार्टी आपको मौका देती है, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा चुनाव? हरियाणा की राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पर है और जैसे आप देख रहे हो कि कांग्रेस के अंदर बिल्कुल एक कतार लगी हुई है, सब आ रहे हैं, तो ये दिखता है कि आने वाला टाइम कांग्रेस का है। कुछ कहना चाहेंगे कार्यकारिणी अध्यक्ष है, संगठन अभी तक नहीं बन पाया, लगातार जो है सवाल जवाब होते रहते हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो गया, पहले शैलजा जी थी, अब उदय भान जी है प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन अभी तक संगठन नहीं बन पाया। हरियाणा तक में आपका स्वागत है, हमारे साथ इस समय पूर्व सांसद और कांग्रेस की कार्यकारिणी अध्यक्ष श्युति चौधरी जी बने हुए हैं, आइए सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे आज करनाल में युवाओं की आवाज़ उठाने आप भी शामिल हुए हैं? बिल्कुल, युवा जो चल रहे हैं उनके साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है और ये आश्वासन देने आए हैं, उनके साथ चलने आए हैं और आप देखिएगा कि कितना बड़ा मुद्दा ये है लोगों के बीच में। मैं जब गाँव में जाती हूँ तो यही नौजवान बच्चे मुझे कहते हैं कि बहन जी आप ये ज़रूर काम करना, आपकी सरकार आएगी तो पहले कलम से CAT को विड्रॉ करवाना, ख़त्म करना। तो ये जो दर्द है बच्चों में वो एक कितना भारी रूप एक लेके आएगा आगे और BJP को ज़रूर जवाब देना पड़ेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव है उसके बाद विधानसभा चुनाव है, किस तरह की तैयारी है अगर पार्टी आपको मौका देती है, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा चुनाव? मैं तो हरदम लोकसभा लड़ती आई हूँ, 2009 से MP भी रही हूँ भिवानी महेंद्रगढ़ से, मेरा सौभाग्य रहा है, लोगों ने आशीर्वाद दिया है, काम किया है, चौधरी बंसीलाल ने उस क्षेत्र का नेतृत्व किया, मेरे पिता ने किया और लोकसभा। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे कार्यकारिणी अध्यक्ष है, संगठन अभी तक नहीं बन पाया, लगातार जो है सवाल जवाब होते रहते हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो गया, पहले शैलजा जी थी, अब उदय भान जी है प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन अभी तक संगठन नहीं बन पाया, एक खामी ज़रूर है ग्रास रूट की और इसको जल्द से जल्द कर देना चाहिए। तो हरियाणा की राजनीति पे क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस समय जो हालात चल रहे हैं? हरियाणा की राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पर है और जैसे आप देख रहे हो कि कांग्रेस के अंदर बिल्कुल एक कतार लगी हुई है, सब आ रहे हैं, तो ये दिखता है कि आने वाला टाइम कांग्रेस का है। तो एक मंच पर होंगे पार्टी के नेता क्योंकि अलग अलग प्रदर्शन वगैरह या कोई भी PC वगैरह होती रहती है? ये कोई खास बात नहीं है और अपने अपने सारी तरीके से काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं सबके और अपने अपने क्षेत्र में मजबूती रखते हैं, वहाँ पर काम करें सब। तो हमारे साथ कांग्रेस की पूर्व सांसद और कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष श्युति चौधरी, तमाम विषयों पर जो है उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल गुरु।